आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप यूपी के किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज, जो भी वहाँ का रीजनल कॉलेज मान लो, उसमें अगर आप कोर ले रहे हो, कोर ब्रांच ले रहे हो, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल, तो एक स्टूडेंट क्या सोच के लेता है, एक स्टूडेंट के एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि उनके एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं, और थोड़ी सी बात हम दूसरी तरफ की भी करेंगे जो है टीचर्स और यूनिवर्सिटी। पहले हम स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमको एक अच्छी जॉब मिल जाए, और वो जॉब अच्छी जब वो बाकी लोगों से कंपेयर करता है, जो ऑल इंडिया के कॉलेजेस में वो कंपेयर करता है, तो ये पाता है कि जो उसको जॉब्स मिल रही हैं जब वो मार्केट में उतर रहा है, तो वो 10-15 हज़ार की भी हैं, 20 हज़ार की भी हैं। यहाँ तक अगर वो कंप्यूटर साइंस का भी स्टूडेंट है तो यूपी के अंदर आज उसे 40 हज़ार या 50 हज़ार की जॉब मिल रही है, जिसे वो अच्छा तो मान सकता है अगर चाहे, लेकिन बाकी लोग मानने नहीं देते। तो ये बात हुई उसकी सैलरी की, एक्सपेक्टेशंस की। लेकिन जब वो कोर कंपनीज में ले रहा है तो वो देख रहा है 15-20 हज़ार की मुझे प्राइवेट जॉब मिल रही है। सेकेंड ऑप्शन आता है उसके गवर्नमेंट जॉब का। तो गवर्नमेंट जॉब में उसके पेरेंट की एक्सपेक्टेशन आती है, क्योंकि पेरेंट्स के कल्चर में या जब पेरेंट्स करे थे अपनी पढ़ाई, उस वक्त के कितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जा रहे थे या ट्राई कर रहे थे, और आज कितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी डिफरेंस है। तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, अगर प्राइवेट में नहीं हुआ तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए। अब गवर्नमेंट जॉब में क्या इशू आ जाता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, वो डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट जॉब जैसे कि IES या फिर GATE तक भी ले जा नहीं पाएगा, जो लेवल ऑफ एजुकेशन आ रहा है आपके प्राइवेट रीजनल कॉलेजेस में, जहां पे आप 10-15 लाख की फीस दे रहे हो, एटलीस्ट 10 लाख तो दे ही रहे हो, और कुछ नहीं तो आप 6-7 लाख तो दे ही रहे हो। चलो 6-7 लाख तो फिर भी ठीक है, लेकिन 10 लाख तक भी चला जा रहा है, और उसमें स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमें समाज कल्याण मिल जाए, उसमें दिमाग लगा रहता है कि समाज कल्याण मिल जाए, और अगर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता तो एक बेचैनी दिल में वो भी रहती है। तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाए। गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने में मैंने आपको बताया कि एजुकेशन का जो लेवल है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब एजुकेशन का लेवल उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का पूरा ध्यान तो इसमें है कि भाई स्टूडेंट्स आए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हर यूनिवर्सिटी या हर कॉलेज का केवल यही है कि बच्चे आए, क्योंकि आम तौर पे अभी हमने देखा है 1-2 साल में कई कॉलेजेस बंद हुए हैं, तो वो जानकारी अब कॉलेजेस तक भी पहुंच गई है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें थोड़ा सही रखना पड़ेगा, टीचर्स को थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लेकिन अब टीचर्स पे अगर हम बात करें तो टीचर्स को जो सैलरी मिल रही है, कहीं 35 मिल रही है, कहीं 40 मिल रही है, अच्छी सैलरीज है, इट इज नॉट दैट बैड। यूपी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, यूपी के सोशियो इकोनॉमिक में बात कर रहा हूँ, 40-50 हज़ार आप अपर मिडिल क्लास में एकदम स्टार्टिंग में आ गए हो। अपर मिडिल क्लास 40-50 हज़ार से मेरे हिसाब से शुरू होती है, तो आप उसमें आ गए हो, आपकी आप रह लोगे ठीक से, अगर आपके वाइफ वगैरह भी जॉब कर रही हैं तो आप ठीक से रह लोगे, 60-70 हज़ार आपको मिल रहे होंगे, आप ठीक से रह लोगे। लेकिन समाज नहीं जीने देना चाहता ना, समाज नहीं जीने देगा, क्योंकि समाज क्या कह रहा है कि प्राइवेट जॉब में उन्हें लग रहा है कि 15-20 हज़ार की सैलरी है, तो वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही उन टीचर्स को। तो उन टीचर्स को जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है अब क्या करें, अब हमने M.Tech करके यहाँ प्राइवेट जॉब में पढ़ा रहे हैं, अब सीधे निकलते हैं तो हम PhD करने बाहर निकलते हैं, या फिर हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे फ्रस्ट्रेशन और जो फोकस है बच्चों को पढ़ाने का, वो थोड़ा सा हट रहा है, और कहीं ना कहीं कल्चर ये भी बन रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ फीडबैक्स ले रहा हूँ जो स्टूडेंट्स ने दिए, उनके बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो ये मिल रहा है कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे भी दे रहे हैं कि बिल्कुल भी पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, आप कुछ भी कर लो तो आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर आप मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल ले रहे हो, आप अगर M.Tech, PhD, पोस्ट डॉक पढ़ाई वाली लाइन में निकलते जाओ, टीचिंग लाइन में निकल जाओ, रिसर्च लाइन में निकल जाओ, डेफिनेटली मिलेगा आपको, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट लेके जा नहीं रहा है, वो उसको उस तरह की एजुकेशन मिल भी नहीं रही है, और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लगी हुई है कि हमको एडमिशन्स चाहिए, टीचर्स को भी लगाती हैं एडमिशन्स में, तो जो पूरा माहौल मिल रहा है उसका एंड रिजल्ट ये हो रहा है कि बच्चे अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं, अनस्किल्ड रह जा रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि हम कोचिंग में पैसा खर्च करें 1 लाख रुपए क्या होगा, क्योंकि कोचिंग का जो कन्वर्जन रेट है M.Tech के लिए भी वो भी कम है। दूसरी चीज, समाज ने ये भी समझा दिया है बच्चों की, यार M.Tech करने से जॉब नहीं लगने वाली, तो वो भी नहीं कर रहा है।
कि एमटेक से जो जॉब लग सकती है टीचिंग में वो भी नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि उसने अपने टीचर्स का हाल देख लिया है, तो उसे लग रहा है कि यार टीचर्स तो ऐसे जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, हमें तो ये व्यतीत ही नहीं करनी। वो ये नहीं समझ रहा हम लखनऊ के या यूपी के बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सब चीजें मिल के ये बन जा रही है कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एकदम फंस गया है। दूसरी चीज, पैसे पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे खर्च हो गए, अब एमबीए में या आगे कैसे बढ़ा जाए समझ में नहीं आ रहा है। आईटी की तरफ जाने के जो ऑप्शंस हैं वो भी अपने आप आदमी बंद कर ले रहा है, और जो टीचर्स और यूनिवर्सिटी हैं उनका तो एक तरह से रिलेशनशिप, जो एक पुराना कल्चर चलता था कि हम हेल्प करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे, वो खत्म ही हो गया है। तो ये कल्चर आप फेस करोगे, इस तरह के माइंडसेट आपका भी बनेगा अगर आप मैकेनिकल सिविल ले रहे हो, इलेक्ट्रिकल ले रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा मत लो, ले सकते हो, लेकिन अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से लो। केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए मत लो, आप डिप्लोमा ले लो, आपको डिप्लोमा से भी गवर्नमेंट जॉब मिलने के मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में उतने ही चांसेस हैं जितने बीटेक से हैं, यकीन मानो उतने ही हैं, क्योंकि बीटेक वाले भी डिप्लोमा के ही एग्जाम्स दे रहे हैं, एसएससी जेई वगैरह ही दे रहे हैं, तो उनमें ही उनकी लग रही है, या आरआरबी जेई दे रहे हैं, लग उनमें ही रही है ज्यादातर, या फिर पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहे हैं तो वो बीटेक करके आप पढ़ा सकते हो, आपको एमटेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आप अगर डिप्लोमा लेना चाहते हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल में, वो ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आप बीटेक ले रहे हो तो आपको अपनी मेहनत करनी है और आपको एमटेक पीएचडी की तरफ देखना पड़ेगा, आपको आईएससी आईआईटी से एमटेक की तरफ देखना पड़ेगा। अगर आप टीचिंग को छोटा मान रहे हो और आप सोच रहे हो कि जो लोगों ने बोल दिया कि ये छोटी है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ये माइंडसेट आपका बनेगा, और ये हम सबने फेस किया है। तो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ आज का, कि अगर आप ले रहे हो बीटेक ले रहे हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, क्या क्या चीजें पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके रखे हैं, बच्चों के रखे हैं, पेरेंट्स के रखे हैं, और यूनिवर्सिटी का रखा है, और मैंने टीचर्स का रखा है कि उनके दिमाग में एक मेंटालिटी कैसे बन रही है। तो इसमें आप ये डेटा जो मैंने बताया आप इसमें सोचिए और देखिए कि आप रास्ता क्या निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर कैरियर काउंसलर सागर आनंद।